चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है बासमती राइस, जिसको हमने दो तीन पानी से क्लीन कर लिया है। जब तक पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमने इसको क्लीन किया है। तो हम इसको कुकर में पका लेंगे। तो जिस तरह हम नॉर्मल रेगुलर राइस को पकाते हैं ना, हम उसी तरह से ही पकाएंगे। गैस हमने ऑन कर ली है। तो जिस बाउल से हमने लिया है चावल, तो उस बाउल से हम पानी लेंगे। तो पानी इसमें हमें कम चाहिए होगा, तो इसमें हम वन बाउल में हमें वन एंड हाफ बाउल पानी डालेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा गीले चावल नहीं चाहिए, क्योंकि फ्राइड राइस है तो खिला खिला सा बनना चाहिए। तो चावल के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। तो एक बाउल चावल है तो हमने वन स्पून ये नमक डाल देते हैं। इसमें चावल हमने डाल दिए हैं, तो चावल को हम पानी में सेट कर देते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं। इसमें सिर्फ हम एक सीटी लेंगे और इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। उतने में ही चावल, तो जब तक ये चावल हो रहे हैं तो तब तक हमने ये चिकन ले लिया है। तो चिकन ये हमारा 300 ग्राम होगा, तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस और टेस्ट के अनुसार नमक। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर वाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी वही काम करेगा मैरिनेट करने के लिए। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज कर लीजिए। तो इसको भी हम कवर करके साइड में रख देते हैं। सब्जियों के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ये पत्ता गोभी और एक शिमला मिर्च, इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे, और एक हमने ये प्याज लिया है और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो तब तक राइस हो रहे हैं, चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम इन वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो इसमें से हमें ऊपर का पार्ट हम लेंगे पत्ता गोभी का, नीचे का नहीं लेंगे, तो ये सॉफ्ट होता है, तो बस थोड़ा सा मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो ये टॉप का पार्ट हमने ले लिया। स्प्रिंग ऑनियन को हम चॉप कर लेते हैं, तो ये व्हाइट पार्ट को हम पहले चॉप कर लेते हैं। तो इसको हम पतला पतला काट लीजिए, इसको भी हम पतला पतला काट लेंगे। तो भी मैंने प्लेट में कर लिया है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कम ज़्यादा जैसी पसंद हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में रखेंगे, हाफ कप कम ही यूज करेंगे। तो हम सारी सब्जियाँ चॉप करके रख लेंगे तो फ्राई करने में हमें आसानी हो जाएगी। हम यहाँ पे एक साबुत प्याज भी लेंगे, उसको भी हम पतला पतला काट लेंगे। ये झटपट बनने वाला है फ्राइड राइस, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो हम इसी पे गार्लिक, क्योंकि चाइनीज फूड में लहसुन को डालते हैं, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चाइनीज फूड में। और हम अदरक को भी ऐसे ही फाइन चॉप कर लेंगे। अदरक हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया है, तो चाइनीज फूड हो और तीखा ना हो तो ये भी नहीं हो सकता। उसको बीच से ऐसे चॉप कर देंगे, तो उसको फिर हम ऐसे पतला पतला चॉप करेंगे। तो अगर बाइट में आएगी बीच बीच में तीखापन तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाइनीज तीखा बहुत होता है। फिर बाकी आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको कितना तीखा पसंद है। प्लेट में निकाल लेते हैं, जब हम फ्राई करें तो मुझे आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा पत्ता गोभी चॉप कर लेते हैं, इसको हम पतला पतला रखेंगे, इसको हम लंबाई रखेंगे। तो आपको जो लंबे लग रहे हो तो आप भी इससे भी काट सकते हैं। कभी हम प्लेट में साइड से कर लेते हैं, तो ऐसे क्रश कर लीजिए। वैसे तो गाजर भी डालते हैं फ्राइड राइस में। चिकन को मैरिनेट किए हुए सब्जियां कट गई हैं, जो मुझे चाहिए था फ्राइड राइस के लिए। चिकन भी मैरिनेट हो गया है और इधर कुकर की स्टीम भी निकल गई है। तो हम कुकर को पहले चेक कर लेते हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं। कैसे खिले खिले चावल बने हैं, एक एक चावल अलग फ्राई करते हैं। अब कुकर को हमने साइड कर दिया है। फ्रेंड्स गैस ऑन कर ली मैंने। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3-4 चम्मच लेंगे तेल। चिकन सॉटे करेंगे यहाँ पे हम, तो हम तेल को पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। तो अभी हाई फ्लेम पे है और ऑयल गर्म हो गया है। कितना इजी और सिंपल प्रोसेस है इसका बनाने का। आप बिना सब्जी के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो सब्जियाँ डालें, नहीं मर्जी हो तो मत डालें। अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, सिर्फ चिकन डाल के भी चाइनीज फूड में, और सब्जियाँ डालेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ सब्जियाँ भी पहुँच जाती हैं और टेस्ट भी बढ़ जाता है और फाइबर का फाइबर भी। हाँ, पर इसके पीस जो है ना वो थोड़ा छोटे रखिएगा। तो इसको अभी हम कवर करके इसको 5 मिनट के लिए ऐसे पकने देते हैं, जिससे वो अंदर से अच्छे से पक जाए। खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, तब ये इसी पानी में पक जाएगा। तो इसको हम स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। चिकन गल गया है तो बस। तो फ्रेंड्स चिकन गल गया है तो इसको हम फुल फ्लेम पे सॉटे कर ले रहे हैं। तो जितना पानी छोड़ना था वो छूट गया है, और इसको हम सुखा लेते हैं पानी को। और ये आयल रिलीज करने लगा है। तो
जैसे फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है तो इसी ऑयल में हम एक अंडे को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो दो तीन जितना डालना चाहें डाल लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे एक ही अंडा डालेंगे। आप चाहे तो साबुत रखिए या आप छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे करके चला के कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहें। तो हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इन मसालों में नमक है ना, तो इस वजह से तो अंडे में भी नमक आ जाएगा। या फिर हम जब राइस में डालेंगे नमक, जब फ्राइड राइस सब्जियों में डालेंगे तो उससे इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो सॉसेज डालेंगे सॉसेज में भी नमक होता है, तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो नमक का अपने अपने हिसाब से है, नमक हम कम लेते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला इसमें। तो देखिए इसी में हमारा ये रेडी हो गया है, चिकन और ये अंडा रेडी हो गया है। तो हम साइड में करते हैं पैन को, तो हमने इधर साइड में कर दिया है, इधर हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई, तो इसको भी हम कवर कर देते हैं और गैस की फ्लेम को फुल कर लेते हैं। और इसमें हम तेल डालेंगे 2-3 चम्मच, बस ज़्यादा तेल नहीं चाहिए इसमें। तो तेल गर्म होने तक हम वेट करते हैं। तेल हो गया है गर्म, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन, हम वेट नहीं करेंगे, हम फटाफट डालते जाएंगे। अदरक, तो आप क्या हो ये ग्रीन चिली और ये ओनियन, और ये वाइट वाला पार्ट इसमें ओनियन का है, हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये वाइट पार्ट थोड़ा हार्ड होता है तो उसके साथ में ये पक जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, बस थोड़ा सा कलर चेंज होना प्याज का। अब इसमें कैप्सिकम और ये कैब, इसको भी हम ऐड कर देते हैं, इसको भी सॉटे कर देते हैं साथ में। ये फ्राइड राइस है, क्रंच का महंगा चाहिए, थोड़ा क्रंची रखेंगे, इसको गलाना नहीं है मुझे। एक क्रंची पन है तो हम इसमें डाल देते हैं राइस, उसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच चिली सॉस। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन, क्योंकि हमने तेल वहाँ पे इसलिए कम लिया था क्योंकि हमारा ऑयल इसमें भी है, वैसे ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए मैं फटाफट दोनों हाथ से चला रही हूँ जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, बस अभी एक हाथ से भी मिक्स हो जाएगा। चलिए एक चम्मच को हटा देते हैं, हो गया ना मिनटों में तैयार। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, हमने चिली सॉस नहीं डाला क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली ऑलरेडी डाल ली है और हमारी रेड चिली उसमें भी थी, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, तो वैसे भी थोड़ा टेंगी सा बनेगा क्योंकि ऑलरेडी विनेगर है, सब चीज़ें हैं। जब भी चावल डालें तो आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो चावल नीचे से चिपकने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा अगर चावल हुआ तो ठीक है, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, हमने इसकी फ्लेम को स्लो कर लिया। और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर डालेंगे, इतना लिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, फ्राइड राइस में बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंग ऑनियन। इसमें थोड़ा हम 2-3 चम्मच टमाटो सॉस ऐड कर देते हैं, और स्प्रिंग ऑनियन। फ्रेंड्स चिकन फ्राइड राइस रेडी हो गया है, अब इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स चिकन फ्राइड राइस रेडी हो गया है और ऊपर से हमने ये इसमें ऑनियन डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल देते हैं, अच्छा बन गया है वो भी मिनटों में। तो अगर आपको हमारे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।